झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में शुक्रवार की शाम की गई छापेमारी में ईडी को कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे जेल प्रशासन कटघरे में खड़ा है। ईडी के अनुसार जेल प्रशासन ने खुलेआम नियम कानून की धज्जिया उड़ाई है। जेल में रह रहे कई कैदियों ने ईडी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नाम अलग अलग शिकायतों को लेकर पत्र लिखे थे, जिन्हें बिना भेजे ही जेल प्रशासन ने अपने रजिस्टर में डिस्पैच दिखा दिया। बल्कि वैसे कैदियों को प्रताड़ित किया भी जाने लगा और ईडी को छापेमारी में कुछ ऐसे पत्र भी मिले हैं जिन्हें कैदियों ने ईडी के नाम लिखा था और आगाह किया था कि ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध जेल में प्रेम प्रकाश कुछ लोगों के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। एक चिट्ठी में ईडी के अधिकारी को जान का खतरा होने की बात भी लिखी हुई है। छापेमारी के क्रम में ईडी को सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ किए जाने और जेल मैनुअल का उल्लंघन कर प्रेम प्रकाश से उसके करीबियों की मुलाकात करवाने और जेल में बंद ईडी के गवाहों को धमकाकर केस प्रभावित करने से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं। ईडी ने जेल के पास के कॉल डंप निकाले हैं और माफ कीजिएगा कॉल डंप निकाले हैं। जानकारी मिली कि पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रेम प्रकाश से मिलना जुलना था। ये इंटरनेट कॉल से भी एक दूसरे के संपर्क में थे। अब दूसरे जल्द ईडी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर और जेल मोहम्मद नसीम खान को समन कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। इन दोनों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई भी संभव है। जांच अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने के लिए संदिग्धों ने साजिश रची थी और इसमें बड़े नक्सलियों और साथ ही साथ आपको बताएं कि अन्य पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों तक को शामिल किया गया था। योजना बनी थी कि ईडी के अधिकारियों के घरों के पास किराए का मकान लेना है, उनकी पत्नी बच्चे क्या करते हैं, कहां कहां जाते हैं, इस पर भी नजर रखनी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।